राजधानी में पटना मेट्रो का काम बहुत तेजी से चल रहा है। जल्द ही डिपो के लिए जमीन अधिग्रहण की कार्रवाई भी शुरू की जाएगी। जमीन अधिग्रहण को लेकर एक सप्ताह से 15 दिन के अंदर अधिसूचना जारी की जाएगी। ये बात तय हो जाएगा कि किस मौजा में पटना मेट्रो का डिपो बनाया जाएगा। जानकारी के अनुसार अंतरराज्यीय बस टर्मिनल के पास रानीपुर मौजा और पहाड़ी मौजा में करीब 75 एकड़ जमीन का अधिग्रहण किया जाएगा। जमीन अधिग्रहण का काम जिला प्रशासन की ओर से किया जाना है। डिपो को जमीन के लिए स्थानीय किसानों की जमीन का अधिग्रहण होना है। नगर विकास और आवास विभाग की ओर से जिला प्रशासन को जमीन अधिग्रहण की अधियाचना पहले ही भेज दी गई है। इसी के तहत जिला प्रशासन जमीन अधिग्रहण की कार्रवाई शुरू करने जा रहा है। इसके लिए जिला प्रशासन की ओर से जमीन क्रांकित की जा चुकी है। अधियाचना के बाद अब अधिसूचना जारी की जा रही है। इसके बाद जिला प्रशासन खसरा खाता नंबर के साथ अधिग्रहण होने वाली जमीन की लिस्ट जारी करेगा। लिस्ट जारी होने के बाद किसान उसके अनुसार जमीन पर अपनी दावा आपत्ति करेंगे। इसके निराकरण के लिए जिला स्तर पर जन सुनवाई होगी। फिर अंत में किसानों के खाते में राशि भेजी जाएगी। बताया जा रहा है कि जमीन अधिग्रहण का काम पूरा करने में लगभग 1,000 करोड़ की राशि खर्च होने की संभावना है। राज्य सरकार की ओर से ये खर्च वहन किया जाएगा। गौरतलब है कि मेट्रो निर्माण के लिए 20% राशि राज्य सरकार और 20% राशि केंद्र सरकार की ओर से दिया जाएगा, जबकि बाकी 60% राशि जायका के माध्यम से लोन लिया जाएगा।